ऐसा लगता है कि पहले तो चोरी फिर सीना चोरी, पहले तो बलात्कार किया गया फिर एक मासूम महिला की हत्या कर दी गई और साक्ष्य भी छुपाने की कोशिश की गई अपराधी के द्वारा और फिर पुलिस पर हमला किया गया। कोई तो चोरी सीना चोरी जैसी बात है और पुलिस पर अगर कोई हमला करता है तो पुलिस को अधिकार है कि वो उनको एनकाउंटर करे। वर्दी पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वर्दी पर वो अटैक करें। इससे जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके मन में पुलिस का भय छाएगा और जो सज्जन लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, उनको इस बात से खुशी भी होगी और उनका अच्छा भी लगेगा। सर, कुछ लोग मानवाधिकार का हनन बताकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य है देश में कि मानवाधिकार के नाम पर समय समय पर कभी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की गई, कभी देशद्रोहियों को बचाने की कोशिश की गई और कभी अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई। ये अपराधियों की ही कुटिल चाल है और इसलिए मैं तो न्यायालय से भी और सबसे यही कहना चाहूँगा, देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी हैं, जिनको पुलिस को अधिकार है, उनको कानून ने उनको ताकत दिया है, हमारे जो लोकल पुलिस एक्ट है उन्होंने उनको अधिकार दिया है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। स्टेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।